हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही द्वारका एक्सप्रेस वे, मैंने आपको वादा किया था कि गुड़गांव की पल पल की न्यूज आप तक रेगुलर पहुंचा करेगी। अभी सिग्नेचर ग्लोबल सोना में शूट किया था, जिसमें काफी अच्छी सेल अभी निकल रही है। और अब हाई एंड्स को भी हम छोड़ नहीं सकते, हाई एंड्स वाले कस्टमर्स भी हैं। और मुझे जो सबसे दिल को छुआ वो DXP 113 सेक्टर 113 की लोकेशन थी। क्या लोकेशन में क्या खासियत थी, मैं आपको मॉडल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। द्वारका, इसका 1 DXP का मतलब बताना चाह रहा हूँ। 1 का मतलब सबसे पहला, DXP मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे। इसका मतलब सबसे पहला द्वारका एक्सप्रेसवे का जो प्रोजेक्ट था वो 1 DXP और सेक्टर था 113। तो समझ आ गया होगा आपको 1 DXP 113 का मतलब। इसमें 1 पहला DXP द्वारका एक्सप्रेसवे और 113 इज अ सेक्टर। जैसे ही आप द्वारका एक्सप्रेसवे में आएंगे, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो ये प्रोजेक्ट सबसे पहला द्वारका एक्सप्रेसवे नजर आएगा आपको। मैं शुरू से, स्टार्टिंग से लास्ट तक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आ जाओ, अगर हम इस जोन को देखें, यहाँ पे आ जाओ, इस जोन को देखें तो दिस इज द द्वारका एक्सप्रेसवे। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है और द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल स्टार्टिंग टावर, ये इसकी अभी हम प्रमोशन नहीं कर रहे क्योंकि इसको लॉन्च अक्टूबर में करना है इस टावर को। यहाँ पे आ जाइए, अब ये थे, ये हमारा एंट्रेंस है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे। यहाँ से हम अंदर आएंगे, ये टावर ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं, दिस वन, ये टावर ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, फिर उसके बाद वाला टावर भी लॉन्च कर चुके हैं। इसका नाम है, इस टावर का, A to H, ABCDEFGH। देन फिर हम फेज वन में लॉन्चिंग की थी और मैक्सिमम सोल्ड है ये। कुछ यूनिट्स हर टावर में अवेलेबल होती है थोड़ी बहुत, पर मैक्सिमम ये सोल्ड आउट है। फिर हमने ये वाले टावर लॉन्च किए, इसमें से अगर एक मिनट इधर, बाहर से मूव करके आप अंदर से नहीं आ सकते वाटर बॉडीज से, सीधा बाहर से, बाहर आप मूव करके देख लीजिए जा सकते हैं। फिर आप इस टावर पे आएंगे, दिस इज टावर। अगर हम इसकी बात करें तो यहां से शुरू होता है I to N टावर, ठीक है। फेज टू में लॉन्च हो चुके हैं और मैक्सिमम सोल्ड है। देन फिर ये आने वाले फ्यूचर में आएंगे और ये वाला लॉन्च अक्टूबर में करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं ये क्या है, बीच का पैच, इतना बड़ा पैच, ग्रीन एरिया है। इसमें एक क्लब हाउस जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, दिस इज द सोशल क्लब हाउस। और एक ऐसा प्रोजेक्ट इकलौता ऑन द बैंक ऑफ द्वारका एक्सप्रेस जिसमें 2 क्लब हाउस हैं, सोशल अलग और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो स्पोर्ट्स क्लब हाउस है वो अलग, आज तक ऐसे कभी नहीं देखा होगा आपने। और बास्केटबॉल कोर्ट भी दे रहे हैं, फिटनेस स्टेशन भी दे रहे हैं, स्केटिंग रिंक भी दे रहे हैं और पेविलियन विद बारबेक्यू एरिया भी दे रहे हैं, एम्पी थिएटर भी दे रहे हैं, फिर किड्स प्ले जोन भी दे रहे हैं, जॉगिंग ट्रैक भी दे रहे हैं, आप देखते जाइए, वाटर बॉडीज में स्विमिंग पूल बीच में और किड्स वाटर प्ले एरिया। इतना सारा जो एक ग्रीन एरिया है वो शायद बहुत कम केसेस में आपको मिलेगा। और एक खासियत, को वर्किंग स्पेस दे रहे हैं। जैसे आप क्लब से बाहर आते हैं तो आपको एक सोशल, यहाँ पे एक हम जो एरिया दे रहे हैं जो आपको दिख रहा है, ये को वर्किंग स्पेस है जो कि हम हर क्लाइंट को देंगे। कोई भी क्लाइंट अपना घर के नीचे से काम ऑपरेट करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो इतनी फैसिलिटीज के साथ, और जो रेट है हम इसका, मैं आपको बता दूं, 17,999 का हम रेट देने जा रहे हैं, 17,999 का, बिल्कुल रिलैक्सेबल रेट है ऑन द बैंक ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। और इसकी जो पेमेंट प्लान की बात करें तो 25% 60 डेज में, 25% 18 मंथ्स में, या फिर यू कैन से फिफ्थ फ्लोर जब हम बनाएंगे तो आप दे देना। फिर OC अप्लाइड पे 20%, 10% पोजीशन पे, ये हो गया टोटल 80%। और 80 के बाद बहुत आपको हैरानी होगी कि हम पोजीशन दे देंगे, उसके बाद 20% देना, वही देनी वाला कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लोर हम बना के दे रहे हैं आपको ऑन द बैंक ऑफ द्वारका, अगर जिसका टिकट साइज कुछ बड़ा है तो आराम से इस फ्लोर को लो और इन्जॉय करो और यहाँ पे रहो। सो मेरा ऊपर नंबर फ्लैश है, अगर DXP 113 में कोई डील की रिक्वायरमेंट हो तो आप कॉल करके एक अच्छे रेट्स ले सकते हैं जो कि
कंपनी भी नहीं ऑफर कर सकती। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।